नमस्कार मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एस पी एन नाइन न्यूज अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे नगर निकाय चुनाव में तो मुजफ्फरनगर के चौक पर शिव चौक पर घंटा नहीं बजेगा ये कहना है ये कहा था बीजेपी नेता संजीव बालियान ने वैसे बालियान पहली बार ऐसे विवादित बयान नहीं देते हैं ऐसे इससे पहले विवादित बयान दे चुके हैं संजीव बालियान खबर पुरानी है लेकिन मायने बहुत बड़े हैं मायने इसलिए बड़े हैं क्योंकि संजीव बालियान को बनाया गया है कैराना का प्रभारी जिसमें आगामी दिनों में होने वाले हैं लोकसभा सीट को लेकर उपचुनाव और ऐसे में ऐसे शख्स को प्रभारी बनाया गया है जो कि अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहता है सोचिए जरा बीजेपी की स्ट्रैटेजी आखिर है क्या बिल्कुल सही बीजेपी की स्ट्रैटेजी है जो बहुसंख्यक वोट है उसको अपनी तरफ खींचो अल्पसंख्यक वोट तो अपने आप आना होगा आएगा नहीं तो कोई बात नहीं दिखाते हैं आपको खबर राना उपचुनाव में डॉक्टर संजीव बालियान को बनाया गया प्रभारी देवेंद्र सिंह और अशोक मोगा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है सांसद और तो पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को पार्टी हाईकमान ने कैराना लोकसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है उनके साथ देवेंद्र सिंह और अशोक मोगा को भी सहयोगी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी ने कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा के उपचुनाव के लिए पार्टी संगठन की ओर से चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद संजीव बालियान को कैराना लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनाव प्रभारी बनाया गया है उनके साथ सहयोगी के रूप में प्रदेश मंत्री देवेंद्र सिंह और अशोक मोगा को सह प्रभारी के रूप में बनाया गया है और गाजियाबाद में इस सिलसिले पार्टी पार्टी की बैठक हुई वहां पर ये फैसला लिया गया है यानी कि संजीव बालियान अब वहां पर प्रभारी के तौर पर नजर आएंगे और देखना होगा क्या संजीव बालियान को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगता है या फिर वहां पर कोई उम्मीद की किरण नजर आती है क्योंकि कराना की सीट इतनी आसान नहीं है बीजेपी के लिए लेकिन हाँ कुछ मायनों में आसान इसलिए हो सकती है क्योंकि मृगांका सिंह जो कि हुकुम सिंह की बेटी हैं वही यहां से उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगी बीजेपी की तरफ से इसकी पूरी संभावनाएं और उनका उनका भतीजे यानी कि अनिल चौहान से पैचअप हो गया जिसको हम हमारे थोड़ा सा बॉलीवुड के लैंग्वेज में बोलते हैं पैचअप हो गया जी हाँ वाकई यहाँ पर बुआ भतीजे और एरना पे बुआ और बबुआ यानी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की, की सुप्रीमो मायावती बुआ और बबुआ का करिश्मा तो आप देख सकते देख चुके हैं गोरखपुर और फूल के फूलपुर के लोकसभा चुनाव में अब यही करिश्मा यहाँ पर दोहराने की फिराक में है अखिलेश यादव लेकिन यहां पर एक बबुआ एक और बबुआ एक और क्योंकि मृगांका सिंह और अनिल चौहान एक हो गए अब ऐसे में अनिल चौहान वही शख्स हैं जिनकी वजह से मृगांका सिंह को हार का सामना करना पड़ा था साल दो में और नाहिद हसन वहां से जीते थे यूपी विधानसभा चुनाव जो की कैराना सीट से विधायक है अब ऐसे में यहाँ पे आप समीकरण समझिए किस तरह से समीकरण बिठाया जा रहा है अगर मैं यूपी में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव का जिक्र करूँ जो कि बीते साल हुए थे तो बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी थी कि आप बहुसंख्यक के वोट को अपनी तरफ खींच लीजिए बहुसंख्यक आपकी तरफ आ गया क्योंकि पूरा अधिकतर क्योंकि हमारा देश जो है बहुसंख्यकों वाला है और अल्पसंख्यक यानी कि उसमें कई लोग कई धर्म आते हैं तो ऐसे में अगर बहुसंख्यक यानी हिंदू वोटर्स आपके पक्ष में आ गए तो आपका जीतना बिल्कुल तय है और यही हुआ क्योंकि उन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था बीते साल यूपी विधानसभा चुनाव में हालांकि कहा गया था कि बीजेपी हार जाएगी लेकिन देखिए वहां पर प्रचंड बहुमत में सरकार बना ले गई तीन तलाक जैसा मुद्दा था जिसको कहीं ना कहीं भुनाया था बीजेपी ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी को सीटें मिली उसने वाकई कान खड़े कर दिए कि अल्पसंख्यक ने भी बीजेपी को वोट किया है यानी कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक जो थे मुस्लिम समुदाय जो था वो सपा और बसपा से नाराज हो गया था कुछ तो यहाँ पे कार्यशाला उनकी ऐसी नहीं होगी तभी वो वोट बैंक खिसक कर बीजेपी के पाले में आ गया और इस बार ये भी कहा गया था जो रेशियो सामने आया था मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया है तीन तलाक को लेकर मोदी सरकार को यानी बीजेपी को वोट किया था उत्तर प्रदेश में तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तीन तलाक का मुद्दा यहाँ पर बीजेपी की जीत का सबक बन गया अब ऐसे में बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है अब वो धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है बीजेपी को पता है उत्तर तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साफ तौर पर पता है अग्नि परीक्षा है काउंटडाउन शुरू हो चुका है साल 2019 के लोकसभा चुनाव का ऐसे में उनके लिए ये एकदम शह और मात का खेल है बदला लेना चाहेंगे पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ बुआ और बबुआ से लेकिन यहाँ पे अखिलेश यादव भी कम नहीं है वो भी अपनी यहाँ पर पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं तबस्सुम हसन को यहाँ से टिकट दिया जा सकता है जो कि नाहिद हसन की माँ हैं मुनवर हसन जो कि नाहिद हसन के पिता हैं और हालांकि अब कहा जाता है वो दुनिया में नहीं है तो ऐसे में तबस्सुम हसन को टिकट दिया जा सकता है जो कि वहां पर वोटिंग अपील कर सकती हैं अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय के लिए सोचिए जरा वहां पर जातीय समीकरण मैं आपको हर प्रोग्राम में बताती हूँ जातीय समीकरण वहाँ पर है जो सपा और बसपा का जातीय समीकरण है दलित मुस्लिम ओबीसी ये जातीय समीकरण है सपा और बसपा का दलित मुस्लिम और ओबीसी लेकिन यहाँ पर बीजेपी जो है जाट गुजर हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है जाट गुजरों की संख्या बहुत ज्यादा है और कराना जो है वो सीट बहुत ज्यादा है मैं इसीलिए मैंने सीट को नाम दिया है गोरखपुर पार्ट टू अब ऐसे में नूरपुर में लोकेन्द्र सिंह वहां से सांसद थे जिनका जिनका निधन हो चुका है तो ऐसे में अब नूरपुर की सीट भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो गई है कराना और नूरपुर से जीतना बीजेपी के लिए एक नाक का सवाल है अगर यहाँ से नाक कट गई तो समझिए जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए क्योंकि उनको अपनी अग्नि परीक्षा में ये अग्नि परीक्षा है उनके लिए पास करना बहुत जरूरी है एक साल नहीं हुए थे योगी सरकार को तभी गोरखपुर और फोलपुर के जो नतीजे सामने आए थे तो तगड़ा झटका लग गया योगी को और वहां पर सुपड़ा साफ हुआ गोरखपुर और फोलपुर से चलिए फोलपुर को तो छोड़ भी देते हैं क्योंकि फोलपुर पे फोलपुर में तो हमेशा ही समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहा है साल 2014 में वहां पर कमल खिला लेकिन गोरखपुर में तो कम से कम उन्नीस के बाद अगर देखा जाए तो वहां पर तो मटका ही कब्जा रहा है लेकिन किसी ने सोचा था कि इतिहास भी दोहराया इतिहास भी बदल जाता है और बदल गया यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया कि इतिहास भी बदल सकता है यानी कि यूपी की आवाम को श्रद्धा नहीं थी सीएम योगी आदित्यनाथ में वो अपने ही घर में हार गए यानी वहां का क्या वोटर था ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर आखिर वहां के लोगों ने क्यों नहीं वोट किया और या फिर वोट किया तो फिर किसके पक्ष में वोट किया वो तो आपने देख ही लिया चलिए अब बताते हैं कराना और नूरपुर फतेह को कोई फतेह करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है भाजपा और क्या कर रही है तैयारी लोकसभा की कराना और विधानसभा की नूरपुर सीट के उपचुनाव में फतेह के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है मैं आपसे आपको बताना चाहूंगी कराना की जो सीट है वो लोकसभा सीट है और जो विधानसभा की सीट है वो नूरपुर सीट है तो ऐसे में आ, यहाँ पर एक विधानसभा की सीट पर उपचुनाव है और एक लोकसभा की सीट पर उपचुनाव है गोरखपुर और फूलपुर के प्रतिकूल नतीजों के बाद भाजपा के रणनीतिकार कैराना और नूरपुर को लेकर ना सिर्फ काफी सचेत हैं बल्कि इस पर नजर भी रखे हुए हैं कार्यकर्ताओं का अति आत्मविश्वास कहीं यहां भी भारी ना पड़ जाए इसके लिए संगठन और सरकार दोनों के प्रतिनिधियों को मोर्चा संभालने के लिए लगाया गया है और इसके बाद जो 10 मई है नामांकन के अंतिम तारीख है हालांकि यहां पे 9 मई बताई गई है लेकिन इस इस बारे में जो चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जा रहा हा हा की दस में कही जा रही है हालांकि के के त्यागी, त्या... त्यागी ने आज तीन मई को कराना संसदीय सीट और कल यानी कि आगामी चार मई को विधानसभा की नूरपुर सीट के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारी बैठक की पुष्टि की है आज और कल और उन्होंने बताया है कि चुनाव के लिहाज से सारी तैयारी हो चुकी है और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल और विजय बहादुर पाठक जो है उनकी तरफ से भी इस इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा और कहा और ये पार्टी ये कह रही है कि दोनों ही जगह पार्टी के पक्ष में माहौल है चलिए पार्टी में पश्चिम की जनता विपक्ष की अवसरवादी राजनीति की को बाखूबी समझ रही है और भाजपा की सरकार बनने के बाद पश्चिमी यूपी भी सरकार के विकास के एजेंडे पर है पार्टी को इसका लाभ मिलेगा फिलहाल बीजेपी के पक्ष में माहौल है कितना और कितना विपक्ष में है तो वो तो देखने वाली बात होगी जब वहां पर मतदान होंगे मतदान के लिए भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है कम से कम अभी अगर मैं मतदान की तारीख की बात करूं तो मतदान वहां पर 28 मई को वोटिंग है केराना और नूरपुर में केराना लोकसभा की सीट है और नूरपुर विधानसभा की सीट है जिस पर उपचुनाव के होंगे अट्ठाईस मई को वहां पर वोटिंग होगी इकतीस मई को रिजल्ट सामने आएंगे और दस मई नामांकन की अंतिम तारीख है हालांकि इसमें नौ में ही लिखा हुआ है तो ऐसे में अब देखना है कि बीजेपी की रणनीति काम कितनी आती है संजीव बालियान को प्रभावी बनाया जाना कितना काम आता है और उनके जो विवादित बोल है वो तो आप जानते ही हैं लेकिन यहाँ पर जातीय समीकरण यानी सब कुछ सिमट के रह गया है कराना और नूरपुर सीट के लिए जातीय समीकरण बुआ और बबुआ समाजवादी पार्टी बसपा इधर मृगाका सिंह और अनिल चौहान असल लड़ाई अगर कराना की मैं कहूँ तो असल लड़ाई यहाँ पर समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी ही है यहाँ पर आर राष्ट्रीय लोकदल अजीत चौधरी भले ही अपने बेटे हो सकता है यहां वोटों का, कहा जाता है कि जीतने के लिए कोई कम खड़ा होता है दूसरे के वोट बैंक को काटने के लिए खड़ा होता है और ऐसे में <coughs> हालांकि वोट उन, कहा था कि बीजेपी की तरफ से ही खड़े हो रहे हैं तो ऐसे में आप सोच सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर यहाँ पर चीजें सामने आई हैं और आ, सबसे बड़ा अब सवाल यही है कि आखिर कैराना की सीट जीतेगा कौन नूरपुर को लेकर भी बातें हो रही हैं लेकिन उतनी बातें नहीं हो रही हैं जितनी बातें कैराना को लेकर हो रही हैं कैराना में आखिर क्या समीकरण सामने आएगा मैंने आपको बता दिया है जाति समीकरण बहुत दिलचस्प है वहां पर क्या इस बार जो जाट गुजर है जो जाट का रिजर्वेशन का एक बड़ा मुद्दा है उसको लेकर भी सवाल उठ सकते हैं और चार साल योग मोदी सरकार के एक साल योगी सरकार के तो यहाँ पर तो अब देखना होगा कि कैराना और नूरपुर की जनता क्या समर्थन देती है बीजेपी को या फिर यहाँ फिर से कोई एक अलग ही हमें रिजल्ट देखने को मिलता है तो ये था कैराना से जुड़ी बड़ी ये थी कैराना से जुड़ी बड़ी खबर कल फिर से मैं आपके सामने लेकर आऊंगी कैराना से जुड़ी बड़ी अपडेट लेकिन तब तक के लिए नमस्कार